इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि एक डैम टूट जाती है और सारे के सारे लोग बहने लगते हैं। बैन उन्हें बचाने के लिए एक एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एलियन बनता है एलियन एक्स। और बैन यहाँ पे पहली बार एलियन एक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। तो इस एपिसोड के अंदर क्या होगा हर चीज़ देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में एक सिपाही दिखाया जाता है जो कि इनकर्शन के प्रिंसेस एटिया का बॉडीगार्ड होता है। और वो कहता है हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी लेकिन 77 में से एटिया को अपने साथ ले गया और हमारे पास उनका सिर्फ इतना सा कपड़ा बचा है। उसका जो हेड होता है उसका नाम रैफ होता है। वो कहता है ये बात हम राजा से कब तक छुपा पाएंगे। लेकिन इतने में राजा इन्हें वहाँ पर बुला लेता है। राजा कहता है कि एटिया महल से गायब है। रैफ कहता है 77 प्रिंसेस एटिया को अपने साथ ले गया ताकि वो आपसे पैसे मांग सके। राजा कहता है सब तुम्हारी गलती है और वो एक बटन दबा देता है जिससे वो जो बॉडीगार्ड होता है वो उसी वक्त मर जाता है। उसके बाद में राजा कहता है कि जो 77 है वो हमारे दुश्मनों का साथ देता है। रैफ कहता है ऐसे तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं क्योंकि आपने सबके साथ इतना ज़्यादा जुल्म जो किया है। राजा कहता है जाओ और आसपास के प्लैनेट पे एटिया को ढूंढो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। इधर हम देखते हैं बैन, ग्वेन और केविन को जो कि कार के अंदर बैठे हुए स्मूदी पी रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे इनकर्शन के सैनिक आ जाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे कार से बाहर आ जाते हैं और इतने में वहाँ पे रैफ आ जाता है। केविन कहता है और सुनाओ रैफ कैसे हो। यहाँ पे जो रैफ होता है वो केविन का पुराना दोस्त होता है। उसके बाद में जो रैफ होता है वो बताता है कि हमारे जो प्रिंसेस हैं उसे 77 ने अगवा कर लिया है और मैं पृथ्वी पे सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ। बैन कहता है 77 कौन है, एक बार मेरी 66 से लड़ाई हुई थी। वो बताता है कि 77 भी उसी की प्रजाति का, लेकिन वो 66 से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। बैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। केविन कहता है ज़रूरत क्या है, ये मेरा कोई जिगरी यार नहीं है। उसके बाद रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है जो कि इनकर्शन का किंग कर रहा होता है। वो कहता है ध्यान से सुनो पृथ्वीवासियों, तुम्हारी अर्थ पे 77 नाम का एक एलियन है जिसने मेरी बेटी को पकड़ रखा है। अगर तुमने 36 घंटे से पहले उसे मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे प्लैनेट को तबाह कर दूंगा। केविन कहता है बताओ फिर कहाँ से शुरू करें। बैन कहता है अर्थ को रोज़ ऐसी धमकियाँ सुनने की आदत नहीं है, इस वजह से वो घबरा सकती है। ग्वेन कहती है ये राजा तो डायरेक्ट तानाशाही पे उतर आया। उसके बाद ग्वेन कहती है अगर ये कपड़ा राजकुमारी का है तो मैं उसका पता लगा सकती हूँ। ग्वेन अपनी पावर से उसका पता लगाती है और वो कहती है वो एक डैम के पास है और वो किसी से लड़ रही है। इधर हम देखते हैं 77 को जो कि एटिया के पीछे पड़ा होता है और एटिया भी उसे काफ़ी खतरनाक फाइट कर रही होती है। 77 एटिया के ऊपर फायर करता है लेकिन उसकी जो फायर होती है वो एक डैम से टकरा जाती है जिससे पूरा का पूरा डैम टूट जाता है। जैसे वो डैम टूटता है केविन एटिया को बचाने नीचे कूद जाता है और वो उसे पकड़ के ले जा लेता है। वो जो पानी होता है वो हर जगह पे फैल रहा होता है, वहाँ पे जितनी भी रोड वगैरह होती है सब कुछ टूट जाती है और ये सारे के सारे डूब रहे होते हैं। इन सभी को बचाने के लिए बैन एक एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है जो कि वो पहली बार बन रहा होता है। उस एलियन का नाम होता है एलियन एक्स। एलियन एक्स बनने के बाद में अपनी पावर से सारा का सारा पानी वापस कर देता है और जो डैम टूटी होती है उसे भी ठीक कर देता है और सब कुछ पहले जैसा कर देता है। केविन कहता है वाह बैन तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमने पहले बैन को इस एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखा। ग्वेन कहते हैं लेकिन इतनी अनोखी शक्तियों के साथ ये बैन के सबसे पावरफुल एलियंस के अंदर टॉप पे गिना जाएगा। इधर हम देखते हैं 77 को जो कि एटिया को लेके भाग जाता है। केविन कहता है कुछ करो बैन, लेकिन यहाँ पे बैन कुछ भी नहीं कर रहा होता। उसके बाद में केविन कहता है ओए हेलो सो गए क्या, और यहाँ पे जो बैन होता है वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता। ग्वेन कहते हैं शायद से इसे कोई चोट लगी है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि एलियन एक्स के अंदर आया होता है। वो कहता है तो कमाल का एलियन है, और वहाँ पे इसे मिलता है सेरेना और बेलेकस। वो बताता है कि हम भी एलियन एक्स का हिस्सा है। बैन कहता है तो फिर चलो टीम एलियन एक्स, चल के दुनिया को बचाते हैं। वो दोनों कहते हैं हम दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं और हम कोई भी काम सोच समझ के करते हैं। वो बताते हैं मेरा नाम है सेरेना और मैं हूँ प्यार और रहमदिली की आवाज़। वो कहते हैं मेरा नाम है बेलेकस, मैं हूँ गुस्से और नफरत की आवाज़। बेलेकस बैन से कहता है और तुम्हें अकलमंदी की आवाज़ होना चाहिए था। सेरेना बैन से कहती है कि हम लाखों साल तक सोचते हैं और बहस करते हैं और अब तुम भी हम में से एक हो। अब हमें कोई भी काम करने के लिए तीनों की सहमति होनी ज़रूरी है। जब तक हम किसी भी बात के लिए तीनों सहमत नहीं होंगे तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। बैन कहता है लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पृथ्वी कभी भी तबाह हो सकती है। सेरेना कहती है लाखों जाने जाएंगी, मुझे दुख हो रहा है। बेलेकस कहता है हो सकता है उन लोगों की किस्मत में यही लिखा हो। इधर हम देखते हैं केविन को जो कि बैन को अपनी कार के अंदर डाल रहा होता है लेकिन वो नहीं आ रहा होता। उसके बाद वो उसे अपनी डिक्की में डालने की कोशिश करता है। ग्वेन कहते हैं तुम उसे डिक्की में नहीं रख सकते। लेकिन इतने में सारे के सारे लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये इनकर्शन के राजा के पास पहुंच जाते हैं। इनकर्शन का राजा कहता है लाओ मेरा माइक दो, और वो एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कान खुल कर सुनो पृथ्वीवासियों, अब तुम्हारे दिन भर चुके हैं और मैं तुम्हारी धरती को तबाह करने वाला हूँ। उसके हाथ में एक बटन होता है और वो उसे दबा देता है। ग्वेन कहते हैं ये तुमने क्या किया। वो कहते हैं अरे डरो मत, मेरी बेटी अभी अर्थ के ऊपर ही है, लेकिन बटन तो दब चुका है इसलिए तुम्हें नमूना तो दिखाना ही पड़ेगा। और वो एक प्लैनेट दिखाता है जो कि होता है प्लूटो, और वो पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर देता है।
यहाँ पे बैन सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है उन्होंने प्लूटो को तबाह कर दिया। बेलिकस कहता है वो तो हमारे लिए सिर्फ एक कंचा है। उसके बाद में बैन अपनी ऑमनेटिक्स का यूज़ करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। बैन कहता है कम से कम मुझे मेरी ऑमनेटिक्स का यूज़ करने की इजाज़त तो दो, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। सेरेना कहती है हम तुम्हें इतनी जल्दी कैसे जाने दे सकते हैं, अभी तो लाखों ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारी बहस चल रही है और तुम्हें उन्हें सुलझाना है। बेलिकस कहता है तुम भी यहाँ पे हमारी तरह लाखों सालों तक रहोगे। इधर हम देखते हैं इंकर्शन के राजा को जो कि अर्थ से कनेक्शन बना रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे सावन सावन का मैसेज आ जाता है जो कि उसकी बेटी के बदले उससे काफ़ी सारे पैसे मांग रहा होता है। राफ राजा से कहता है कि वो राजकुमारी के बदले काफ़ी बड़ी रकम मांग रहे हैं। वो कहता है कि वो हमारी शान है और उसके लिए जितनी भी रकम लगे वो लगा दो। ग्वेन कहते हैं जब तक तुम्हारी बेटी वापस नहीं आ जाती हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन उसके बाद हमारा इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होगा। केविन कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये तानाशाह हमें आराम से जाने देगा। उसके बाद राजा कहता है जैसे ही एटिया अर्थ से वापस आ जाए उस प्लैनेट को उड़ा देना और वो उन लोगों को बंदी बनाने का आदेश दे देता है। यहाँ पे जो ग्वेन और केविन होते हैं वो भागने लगते हैं और जाने से पहले केविन रबर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और उन लोगों को पीट देता है। राजा के यहाँ से जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला बटन होता है वो उसे छीन लेता है और अपनी कार को वहाँ से भगा लेता है। इतने में सामने से और सैनिक आ जाते हैं और वो केविन की कार को रोक लेते हैं और केविन अपनी कार को रिवर्स में भगा लेता है। सामने रास्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो केविन और ग्वेन होते हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन ग्वेन को एकदम से याद आता है कि बैन तो वहीं पे रह गया। केविन कहता है तुम यहीं पे रुको और बैन को मैं लेके आता हूँ। केविन रबड़ का टायर बनकर उन सभी लोगों को पीट देता है और जो बाकी बच्चे होते हैं उन्हें ग्वेन अपनी पावर से खत्म कर देती है। उसके बाद में केविन बैन को अपनी गोद में उठा के भागने लगता है, लेकिन तभी सामने से राजा और उसके सिपाही आ जाते हैं। उसके बाद जो केविन होता है वो वापस से भागने लगता है, लेकिन सेवन सेवन सामने से आके इसे रोक लेता है। पीछे से इंकर्शन के सैनिक भी आ जाते हैं और वो जो इंकर्शन का राजा होता है वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन यहाँ पर जो सेवन सेवन होता है उसके राजा को ही हथियार दिखाने लगता है। उसकी बेटी कहती है मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लीजिए और वो सारे के सारे राजा को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद उसकी लड़की कहती है जितनी रकम आपने से मुझे छोड़ने के लिए दी थी मैंने इसे दुगनी रकम दे के अपने साथ कर लिया। ग्वेन कहते चलो तानाशाह राजा का किस्सा खत्म, अब कम से कम अर्थ तो सेफ है। लेकिन इतने में आटिया ग्वेन से वो बटन ले लेती है। वो कहती है ये यहाँ का रिवाज है, एक नया बादशाह बनने के बाद में वो सभी लोगों को अपनी ताकत का नमूना दिखाता है और मेरी ताजपोशी के दिन तुम्हारा प्लेनेट फटना हम लोगों के लिए आतिशबाजी जैसा होगा। ये बात सुनकर जो केविन होता है वो सेवन सेवन का आर्मर अब्जॉर्ब करके वहाँ पे लड़ने लग जाता है, लेकिन काफ़ी देर लड़ने के बाद में जो सेवन सेवन होता है वो ग्वेन को पकड़ लेता है। उसके बाद में एटिया एलियन एक्स से कहती है कि इस चीज़ ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और इसे काल कोठरी में डाल दो। उसके बाद वो ग्वेन और केविन से कहते हैं कि इन लोगों ने मेरी जान बचाई थी इस वजह से मैं इन्हें बख्श देती हूँ। ये बात सुनकर ग्वेन थोड़ा सा खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद एटिया कहती है मैं इन लोगों को अपने जू में रखूंगी एकदम शो पीस की तरह। बैन यहाँ से सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है, लेकिन सेरेना और बेलिकस कहते हैं हमारे कुछ नियम होते हैं। बैन चिल्ला के सेरेना से कहता है कि यहाँ पे लाखों जिंदगियां दांव पे लगी है और तुम कह रहे हो हमारे कुछ नियम होते हैं। यहाँ पे जो सेरेना होती है वो रोने लग जाती है। बेलिकस कहता है देखो तुमने उसे उदास कर दिया, ठीक है मैं तुम्हें एलियन एक्स यूज करने की मंजूरी देता हूँ। बैन कहता है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे पास 9 और एलियन है जो कि ये काम तुमसे बेहतर कर सकते हैं। सेरेना कहती है ये तो सरासर हमारी बेइज्जती है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैन ग्वेन और केविन को जो कि पिंजरे के अंदर बंद होते हैं और वहाँ पे जो एटिया होती है वो उस बटन को दबाने वाली होती है, लेकिन अचानक से जो बैन होता है वो स्वैम्पायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। वो कहते हैं कि अच्छे बच्चे तबाही की बातें नहीं करते। उसके बाद में सारे के सारे बैन के ऊपर फायर करते हैं, लेकिन बैन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता और यहाँ पे जो बैन होता है वो एक ही मुक्के में यहाँ पे सेवन सेवन की आँख फोड़ देता है। इतने में वहाँ पे बाकी के सिपाही आ जाता है और वो बैन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन बैन एक ही ब्लास्ट में सभी लोगों को उड़ा देता है। उसके बाद बैन के अंदर से थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है जिससे वहाँ पे एक सिपाही नीचे गिर जाता है। बैन कहते हैं तो सरासर बदतमीजी है, मेरे अंदर से इतनी भी गंदी बदबू नहीं आती, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सारे के सारे बैन की बदबू से बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद बैन एटिया के पास वो बटन लेने जाता है, लेकिन तभी वहाँ का राजा आ जाता है और वो कहता है बहुत हुआ एटिया और अपना खेल बंद करो। यहाँ पे जो बैन होता है वो अपनी आग से ग्वेन और केविन का जो पिंजरा होता है उसे खोल देता है। उसके बाद वो जो राजा होता है वो एटिया से कहता है मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है बेटा और मुझे पता है एक ना एक दिन तुम मेरी गद्दी को छीन ही लोगी, लेकिन तब तक इसे इसकी माँ के पास जेल में डाल दो। उसके बाद वो राजा इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी, इस वजह से मैं तुम्हारे इनाम में तुम्हारी जो धरती है उसे बख्श देता हूँ। ये इन लोगों को वापस से उसी जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है और ये सारे के सारे लोग केविन की कार में पहुँच जाते हैं। उसके बाद ग्वेन बैन से पूछती है वो एलियन बनने के बाद में तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। बैन कहता है मैं वो एलियन जिंदगी में दोबारा कभी नहीं बनूंगा। केविन कहता है पर क्यों, उसकी पावर से तुमने 2 मिनट में पूरा का पूरा डैम ठीक कर दिया था। बैन कहता है हाँ वो एलियन मेरा सबसे ताकतवर एलियन है, लेकिन उसके लिए कीमत भी उतनी बड़ी चुकानी पड़ती है। और ये जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।